फ्रेंड्स मेरे विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास रिटर्न। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप यहाँ पे इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपने इमेज को सड़क के नीचे लगाना चाहते हैं, सड़क के ऊपर लगाना चाहते हैं, बीच चौराहे पे, तो आपको यहाँ पे इस वीडियो को देखना होगा। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो चाहिए इस टाइप का। तो आपको यहाँ पे इस टाइप का वीडियो ग्रीन स्क्रीन कैसे मिलेगा, हम आपको इस वीडियो में लास्ट में बताने वाले हैं आपको कैसे डाउनलोड करना है। और इस वीडियो को मैं यहाँ पे आपको कान मास्टर एप्लीकेशन की मदद से बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे कान मास्टर का मोड एपीके चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हैं और मैं वहाँ पर जाकर के आपको एपीके सेंड कर दूंगा। तो उसके बाद आप वहाँ पर जाकर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखकर शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के सामने एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दे, ताकि हम जैसे ही कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको एकदम सबसे पहले एकदम टाइम पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको काइन मास्टर को ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा आपको, तो इस प्लस वाला आइकन पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे 16:9 वाला रेशियो दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट वाला है, तो आपको इस पहले रेशियो को ही सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको ऊपर में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस मीडिया में जाना है। और उसके बाद आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड ले लेना है, तो आप किसी भी कलर के बैकग्राउंड को ले सकते हैं। और उसके बाद आपको ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको मीडिया में जाना है और आपको एक वीडियो को डाउनलोड करना है। तो उस वीडियो को हम बताएंगे कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो हम आपको लास्ट में बता देंगे इस वीडियो को डाउनलोड करने का तरीका। और उसके बाद आपको यहाँ पे इस वीडियो को लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैची के सामने इस बॉक्स पे। और इसके बाद आपको इसको फुल स्क्रीन में सेट कर देना है यहाँ पे क्लिक करके, और ऊपर राइट पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे इस बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको इस बैकग्राउंड को वीडियो के लेंथ के इक्वल कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको एकदम इक्वल कर देते हैं, वीडियो के लेंथ के इक्वल कर देते हैं, जो लेयर वाला वीडियो है उसके इक्वल। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करके देखना है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको ग्रीन स्क्रीन आता है वैसे ही आपको वीडियो को रोकना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जैसे 3-4 सेकंड होता है यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको वीडियो को क्या करना है कि स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे मतलब एडिटिंग करना होगा। तो आपको जैसे यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है बुंदा टाइप का, तो आपको वहीं पर रोक करके आपको लेयर पर जाना है। और उसके बाद आपको मीडिया में जाने के बाद आपको जिस भी इमेज को आप सेट करना चाहते हैं आपको उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे एक इमेज को लगाना चाहते हैं तो हम इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसको आप कुछ भी यहाँ पे इस साइज को बड़ा छोटा नहीं करना है, आपको इतना ही रहने देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है 3 डॉट पे और सेंड टू बैक कर देना है। और यहाँ पे इस इमेज को आपको पूरा फुल वीडियो में आपको यहाँ पे कर देना है। तो इसके लेंथ को हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो तक कर देते हैं। और इतना कर देने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो लेयर वाला वीडियो है आपका ग्रीन स्क्रीन आपको उस पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहाँ पे आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे एक इनेबल का ऑप्शन दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनेबल लिखा हुआ है, तो आपको इसको ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि की कलर में आना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे की कलर में कोई और कलर सेलेक्ट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको ऊपर राइट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो आपका यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वीडियो एकदम बन चुका है। तो आपको इस वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है हम आपको अब यह बता देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको टाइटल पर क्लिक करके। और उसके बाद आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिलेगा आपको उसी लिंक पर क्लिक करके आपको एक वीडियो को डाउनलोड कर देना है, जो वीडियो आपको यहाँ पे ला करके एडिटिंग करना है। तो आपको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को डाउनलोड कर ले। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वीडियो एकदम परफेक्ट बना है। तो आप भी इस तरह की वीडियो बना सकते हैं और अपने टिकटॉक आईडी पे अपलोड करके वहाँ पे आप अपने टिकटॉक वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस तरह के वीडियो को बना सकते हैं। और वीडियो बन जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको शेयर पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको HD में एक्सपोर्ट कर लेना है। और इसके बाद आप अपने टिकटॉक आईडी पे इसको बहुत ही आसानी से अपलोड कर सकते हैं।